छत्तीसगढ़ के जशपुर से निकली भाजपा की परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से जाजगीर में हमारे संवाददाता राजकुमार साहू ने खास बातचीत की। आई बी 24 से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि परिवर्तन यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनकर ही रुकेगी। प्रदेश की जनता भूपेश बघेल सरकार के कुशासन से मुक्त होना चाहती है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त है, भाजपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और परिवर्तन यात्रा इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। नारायण चंदेल ने दूसरे कई मुद्दों पर भी खुलकर बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा जारी है बीजेपी की और इस परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उनसे बात करेंगे तमाम मुद्दों पर। ये बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह से जनता से आप लोग जा करके उनसे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और किस तरह से समर्थन मिल रहा है? नमस्ते भैया। देखिए, परिवर्तन यात्रा को, भारतीय जनता पार्टी की इस परिवर्तन यात्रा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये परिवर्तन यात्रा का जो पहिया है, भाजपा की सरकार बना करके रुकेगा, हमको पूरा विश्वास है कि इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाने में ये परिवर्तन यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। 2003 में भी आपको जिम्मेदारी मिली थी और इस बार एक फिर एक बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह से पूरी स्थिति को देखते हैं? 2003 में भाजपा की सरकार बन गई। देखिए, 2003 में भी हम प्रभारी थे तो सरकार बनी थी, अभी भी हम प्रभारी हैं, ठीक है, ये महासंयोग है और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार हमारी जनता पार्टी की बनेगी। सिर्फ मतदान होने की देरी है, हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की विदाई होगी और भाजपा जनता पार्टी का आना होगा। पूरे भ्रष्टाचार का आरोप है भाजपा लगा रही है सरकार पे, किस तरह से इस मुद्दे को आगे लेके जाएगी? क्योंकि इस मुद्दे को वापस लाने की बात नहीं है, ईडी ने इस मुद्दे को प्रमाणित किया है कि अब तो यह स्पष्ट है और भूपेश सरकार भ्रष्ट है। धन्यवाद। हमारे साथ ये थे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जिनका कहना है कि भ्रष्टाचार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा और जो परिवर्तन आता है उसे भी जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से 2003 में जो स्थिति बनी थी वही स्थिति इस बार 2023 में भी बनेगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।